हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बायोबॉक्स में और मैं हूं प्रदीप गौड़। आज हम सीखने वाले हैं हाइड्रोफिलिक क्या होता है एंड हाइड्रोफोबिक क्या होता है। बहुत ही कॉमन सेंटेंसेस हैं जो बार बार बायोलॉजी में रिपीट होते हैं, इवन केमिस्ट्री में भी इसका यूज होता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता। तो चलिए आज हम टाइम ना वेस्ट करते हुए देख लेते हैं कि हाइड्रोफिलिक क्या होते हैं एंड हाइड्रोफोबिक क्या होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। जो मैं आपसे बार बार रिपीट करता हूँ एक चीज़, आप जानते होंगे अगर आप मेरी पर्टिकुलर वीडियो देखते हैं, तो मैं अगेन एंड अगेन बोलता रहता हूँ कि जो आंसर होता है वो क्वेश्चन में ही छुपा हुआ होता है, बस ज़रूरत होती है किस चीज़ की, हमें उसे गौर से देखने की। ठीक है, तो ज़रा समझिए ये जो वर्ड है हाइड्रोफिलिक, ये किन किन वर्ड से मिलकर बना है। देखिए बच्चों, ये मिलकर बना है दो वर्ड से, देखिए यहाँ पे हाइड्रो एंड फिलिक। ठीक है, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, तो मैं यहां पे लिखता हूं हाइड्रो एंड यहां पे लिखता हूं फिलिक। ओके, तो हाइड्रो दैट मीन्स क्या होता है बच्चों बताइए? हाइड्रो दैट मीन्स होता है वाटर, क्या? वाटर। एंड फिलिक दैट मीन्स होता है टू अट्रैक्ट, जी हां टू अट्रैक्ट, जी हां किसी को अट्रैक्ट करना, किसको अट्रैक्ट करना? वाटर को अट्रैक्ट करना। अच्छा, अट्रैक्ट दैट मीन्स क्या हो सकता है? लविंग, है ना, ये वाटर को लव करता होगा। तो कोई एक ऐसा केमिकल और सब्सटेंस जो कि वाटर को लव करता है या वाटर को अट्रैक्ट करता है, उसी को हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोफिलिक। ओके, वो सब्सटेंस या वो केमिकल क्या होगा? हाइड्रोफिलिक होगा। अब जरा समझते हैं एग्जाम्पल्स इसके क्या होने वाले हैं, वो कौन कौन से सब्सटेंस और केमिकल हो सकते हैं जो कि हाइड्रोफिलिक होंगे, जो वाटर को लव करते होंगे। तो जी हाँ, आप सोचिए जरा, बताइए मुझे, क्या आप जानते हो? जी हाँ, सोप जो होता है, साबुन जो हमारा होता है, वो हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है। आप वाटर के आसपास भी रखेंगे उसे, तो वो क्या करता है? अपने सराउंडिंग से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों साल्ट, जी हाँ नमक भी, अगर आपने खुला नमक रख दिया, ठीक है, कहीं एक्सपोजर में आपने सॉल्ट को रख दिया है, तो वो क्या करेगा? जो अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, जो हमारे एयर में प्रेजेंट है, उसे हम क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी। तो उस एयर में जो वाटर प्रेजेंट है उसको क्या कर लेगा ये सॉल्ट? एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, और नेक्स्ट है बच्चों रूट, क्या है? रूट, ठीक है, जी हाँ रूट भी क्या होती है? हाइड्रोफिलिक इन नेचर होती है। क्यों? क्योंकि आप देखिए जनरली किसी भी प्लांट की रूट किस साइड होती है? इनसाइड होती है, है ना, जो अर्थ है अर्थ के इनसाइड वो जाती है नीचे की तरफ। क्यों? क्योंकि जो वाटर भी होता है वो कहाँ होता है? अर्थ के इनसाइड ही होता है, है ना, नीचे की तरफ। तो ये वाटर लविंग होती है रूट, तो इसलिए वो नीचे की तरफ जाती है। ठीक है बच्चों, आगे चलिए देखते हैं हाइड्रोफोबिक क्या होता है। हाइड्रोफोबिक भी दो वर्ड से मिलकर बना है बच्चों, हाइड्रो एंड फोबिक। ठीक है, तो अगेन हम लिखेंगे यहां पे, इसे ब्रेक करते हैं हम। चलिए बताइए हाइड्रो मींस क्या होगा बच्चों एंड फोबिक दैट मींस क्या होगा, बताइए मुझे। हाइड्रो दैट मींस क्या होगा बताइए? अच्छा, हाइड्रो मींस होता है वाटर, एज यू नो, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया। फोबिक दैट मींस क्या होता है? फोबिया जानते हैं, फोबिया दैट मींस टू फियर, किसी के लिए फियर, है ना, टू फियर, ठीक है, यानी डर लगता है इसे, किससे? वाटर से। ठीक है, इसे हम बोल सकते हैं हेट, नफरत करता है, आई हेट यू वाटर। ठीक है, अब जरा समझिएगा, कोई एक ऐसा केमिकल और सब्सटेंस जो कि वाटर को हेट करता हो, उससे डरता हो, उसी को क्या बोलेंगे हम? हाइड्रोफोबिक केमिकल और सब्सटेंसेस। ओके, तो एग्जांपल्स इसके क्या होने वाले हैं? कोई आप ऐसा केमिकल या सब्सटेंस जानते हो जो कि वाटर को हेट करता हो? जी हां बिल्कुल, वो है ऑयल एंड वैक्स। जी हां बच्चों, ऑयल एंड वैक्स जो होता है वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है, जस्ट बिकॉज कि आप देखिए, कभी आप एक ग्लास लीजिए, ठीक है, उसमें वाटर ऐड करिए, अब उसमें क्या करिए, थोड़ा सा वन और टू ड्रॉप क्या करिए, मस्टर्ड ऑयल डालिए उसमें, ठीक है, सरसों का तेल उसमें डालिए, आप देखिए कभी भी वो जो मस्टर्ड ऑयल है वो वाटर के साथ कभी भी मिक्स नहीं होगा, जस्ट बिकॉज ड्यू टू हाइड्रोफोबिक इन नेचर। वो कैसा होता है? हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है, इसलिए वो कभी भी वाटर के साथ मिक्स नहीं होगा। लेकिन अगर आपने सॉल्ट, सोप, ठीक है,
ये सारी चीजें ऐड करोगे तो वो वाटर के साथ इजिली मिक्स हो जाती हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हाइड्रोफिलिक क्या होता है, हाइड्रोफोबिक क्या होता है। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और इसी तरह की ढेर सारी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, मैंने बहुत सारी ट्रिक की वीडियो डाली हुई, 206 बोन का इवोल्यूशन की ट्रिक और बहुत सारी अमेजिंग वीडियो हैं। ठीक है, अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं उस टॉपिक पर वीडियो आपको बनाकर प्रोवाइड कर दूंगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।